बिलासपुर जिले में तारबहार पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जिले की पुलिस शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से हो रही वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश करती रही है। इसके तहत ही तारबहार पुलिस व ACCU की टीम द्वारा मुखबिर के जरिए 4 खरीदार सहित 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में मामले का खुलासा करते हुए CHP पूजा कुमार ने बताया कि जिले सहित ग्रामीण अंचलों में हो रही वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनके परिपालन में तारबहार और ACCU की संयुक्त कार्रवाई से 4 खरीदार सहित 2 बाइक चोर को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 7 नग मोटरसाइकिल कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक बरामद कर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर से सतीश बाटवे की रिपोर्ट। एक बड़ी उपलब्धि पाई गई है, जिसमें से 2 जो मोटरसाइकिल चोर सुनील यादव और पवन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल मामला ये है कि सुनील यादव और पवन यादव की को पुलिस को सूचना मिलती है, जिसमें से ACCU और तारबहार टीम काफ़ी समय से इनको ट्रैक कर रही थी CCTV फुटेज के माध्यम से। जब सूचना मिलती है और सूचना की तस्दीक की जाती है, तो पता चलता है कि दोनों सुनील यादव और पवन यादव कुल 7 बाइक चोरी किए हैं, जो कि विभिन्न जिलों में चोरी किए हैं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा। इनसे 3 बाइक्स बरामद होती है और बाकी के 4 बाइक इन्होंने खरीदार को बेच दिया होता है, तो इन 4 बाइक को पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है। पुलिस ने कुल 7 बाइक बरामद की है।